चाहे आप एक नई कार, एक घर या कोई अन्य बड़ी टिकट वाली वस्तु खरीदना चाह रहे हो, इन खरीदारी की लागत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि सावधानी पूर्वक योजना और बजट के साथ आप पैसे बचा सकते हैं और खरीदारी के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बड़ी खरीदारी के लिए पैसे बचाने के कुछ स्मार्ट तरीके साझा करेंगे। लक्ष्य निर्धारित करो। एक बड़ी खरीदारी के लिए पैसे बचाने का पहला कदम एक यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना है। निर्धारित करें कि आपको कितना पैसा बचाना है और वह समय सीमा जिसमें आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं। इससे आपको एक बजट बनाने और अपने लक्ष्य की दिशा में अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। बजट बनाएं। पैसे बचाने के लिए बजट बनाना जरूरी है। अपनी आय और व्यय को देखें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप कटौती कर सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि अपने विवेकाधीन खर्च को कम करना, जैसे बाहर खाना या नए कपड़े खरीदना, या अपने बिलों को कम करने के तरीके खोजना, जैसे अपने सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करना या सस्ते विकल्पों पर स्विच करना। एक अलग बचत खाता खोलें। अपनी खरीदारी के लिए आप जो पैसा बचा रहे हैं उसे खर्च करने से बचने के लिए एक अलग बचत खाता खोलने पर विचार करें। यह आपको अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रगति पर नजर रखने में मदद करेगा और आपको अन्य खर्चों के लिए अपनी बचत में डूबने से रोकेगा। स्वचालित बचत का प्रयोग करें। कई बैंक और वित्तीय संस्थान स्वचालित बचत योजनाओं की पेशकश करते हैं जो बिना सोचे समझे पैसे बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। प्रत्येक माह अपने चेकिंग खाते से अपने बचत खाते में स्वतः स्थानांतरण सेट करें और अपनी बचत को बढ़ता हुआ देखें। अतिरिक्त आय अर्जित करने के तरीकों की तलाश करें। खर्चों में कटौती के अलावा अतिरिक्त आय अर्जित करने के तरीकों की तलाश करें। आप उन वस्तुओं को बेचने पर विचार कर सकते हैं जिनकी अब आपको आवश्यकता नहीं है। अंशकालिक नौकरी या फ्रीलांस काम करना या अपने घर में एक अतिरिक्त कमरा किराए पर लेना। हर छोटा सा अंश आपके बचत लक्ष्य के लिए मायने रखता है। बड़ी खरीदारी के लिए पैसे बचाने के लिए अनुशासन, योजना और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। एक यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके, एक बजट बनाकर, एक अलग बचत खाता खोलकर, स्वचालित बचत का उपयोग करके और अतिरिक्त आय अर्जित करने के तरीकों की तलाश करके आप अपने सपने को एक वास्तविकता बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये टिप्स मददगार रहे होंगे। यदि आपके कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। और अधिक व्यक्तिगत वित्त और बजट युक्तियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।